सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सुरराज सिंह, तुसीं जुड़ चुके हो साडे चैनल दे नाल। तस्वीरां इस वक्त दिखा रहे हैं बाबा भूमन शाह चौंक दियां, जिथे भारतीय किसान यूनियन चलूनी दे वल्लों अज इक आह्वान दित्ता गया सी कि जिन्ने भी कैबिनेट मंत्री आ उन्हां दे जिहड़ा निवास स्थान आ उन्हां दा घराव किया जाऊगा। सो तस्वीरां दे विच तुसीं वेख सकदे हो कि जिहड़े किसान आ भारी तादाद दे विच चौधरी रणजीत सिंह जी की कोठी का जिहड़ा घराव करन जा रहे हैं। सो तो देखिए पुलिस प्रशासन उन्होंने वालों घेराबंदी की गई है, किसानों नू इत्थे रोकया गया है। सो जिहड़े उच्च अधिकारी आ उन्हां दे नाल जिहड़ी गलबात है वह चल रही है। लगातार तस्वीरां असीं तुहानू दिखावांगे किसानों दीआं, जो कि अपनियां मंगां नू लैके कैबिनेट मंत्री की जिहड़ी कोठी दा उहदा घराव करन जा रहे सी। फिलहाल पुलिस प्रशासन दे वल्लों बैरीगेड्स ला के एक बार जिहड़ा किसान आ उन्हां नू रोक दित्ता गया। तस्वीरां लगातार दिखा रहे हैं कि जो किसान सी जिन्हां नूं बाबा भूमन शाह चौंक दे उत्ते रोकया गया सी, सो एक बारी बैरीगेड्स खोल दित्ते गए ने। अगे जाण दा जिहड़ा किसानां नूं रस्ता दित्ता गया भारतीय किसान यूनियन चलूनी दे जिहड़े गल करिए तां जिवें सिकंदर सिंह जी जिला प्रधान है उन्हां दे वल्लों जिहड़ा दो दिनां दा प्रदर्शन है, कैबिनेट मंत्री आ जिहड़े उन्हां दे घरां दा जिहड़ा घराव कीता जाऊगा बड़ी शांतिपूर्वक दे नाल। किसानां ने कहा कि जिहड़ा प्रदर्शन उह कीता जाऊगा, पहलां उन्हां नूं भूमन शाह चौंक दे विच रोकया गया सी, उस तो बाद जिहड़ा रस्ता खोल दिता गया ते किसानां नूं अगे छां दे कह सकदे हां कि शायद थल्ले जिहड़ा उन्हां दा प्रबंध कीता गया अगे किसानां नूं रोक दिता है। फिलहाल जिहड़ा बाबा भूमन शाह
चौंक है उत्थे बैरीकेड्स लगे से वो खोल दिते गए। तस्वीरों के देख सकते हो कि जिहड़े किसान है अगे गल करिए भी छां दे थले किसानां दे वल्लों मंग कीती सी भी कम से कम सानू छां दा प्रबंध किया जाए। सो किसान है उन्होंने इत्थे रोक दिता है, इत्थे ही किसान है जिहड़ा अपना बैठ के धरना प्रदर्शन है वो करनगे। सारे किसान भरावां नूं मजदूर भरावां नूं बेनती है जिन्नी भी संगत आई है रामर बजो टेंट इत्थे आउंदा है गड्डे उत्थे आउंदे ने पक्खे इत्थे आउंदे ने सारे प्रबंध किए जाणगे। हाँ लंगर ते चाह ते पानी ये तीन चीजा चौधरी जी तो घरे आनी है। जे कोई खाना चाहता छोटे छोटे के बंद सी पर साडी साडी पूरी टीम है जो भेजूगा तो असं खावे नहीं उन्ना चेर अभी ना पानी कल पानी पीवे ना रोटी खागे ना कोई फ्रूट खागे कुछ नहीं खावे। साड़ी पूरी टीम है इतने भुख हड़ताल से बैठूगी जो घरों भेजूगा तो चाह तो पानी तो लंगर फिर असं खावे नहीं उन्ना चेर 25 दिन से दिन 25 की रात 26 का दिन। अज देखो जी साड़िया पूरे सरसे जिले के किसानों कन्नी छोटी जी कॉल दी गई थी 25 अगस्त की 26 अगस्त की जिस दे संबंध में असी अज पिंडा दे दर फोन के राही संपर्क किए गए थे। फिर भी भारी मात्रा के किसान इतने पहुंचे ने असी अज कैबिनेट मंत्री के घर का जिहड़ा पूरे हरियाणा के 14 मंत्री ने उन्होंने घर के सरदार गुरनाम सिंह झड़ूनी की दक्षता के हेठ पूरे हरियाणा के 14 के 14 मंत्रियों के घर का घराव किया गया। तो अज असी इतने 3 मुख्यमंगा लेके आए हैं, चौथी एक मंग होर आ साड़ी वड्डी जिहड़ी वह भी ऐड कर असी सानू कल ही पता लगा साडी टीम जाके आई सी जिस दे विच 2022 दा नरमा गुमारा और झोना ये सारा खत्म हो चुक है खास करके मूंगफली फसल भी और उन्होंने तिना फसलों लैके असी स्पैशल गिरदावरी करवाई जाए और साडा बीमा तो मुआवजा दिता जाए 2022 का 2020 का बीमा तो मुआवजा ये दोनों रह रहे हैं सारे वो भी सानू दिता जाए। तीजी शामला तो देह जुलमा मुस्तरका जिदा ही वड्डी सट पूरे हरियाणा के लखां किला जिहड़ा जा रहा सातों खो रही है सरकार 18/8/2022 सरकार ने ऑर्डर करते तोड़न दे इंतकाल तोड़न दे चकबंदी तो बाद चकबंदी कई थां 1948 हुई है कई थां 1958 हुई है ज़्यादातर अपने सरसे की गल करा तो 1961 हुई है तो उन्होंने इंतकाल तोड़न दे ऑर्डर करते उस दे विच व्यापारी भी प्रभावित हुआ किसान भी प्रभावित हुआ मजदूर भी प्रभावित हुआ मध्य वर्ग भी प्रभावित हुआ सारिया बरादरिया सारा हर एक बंदा प्रभावित हुआ। जो वो इंतकाल टुटणगे तो वो जमीन जिहड़ी सरकार दे हिस्से जानी है शहर की नगरपालिका कोले ते पिंडां दी पंचायत कोले उहदे अंडर करनगे। ते चौथा एक मुद्दा जिहड़ा साडा लैके आए हैं असीं अज्ज आ जिहड़े सामने डिप्टी सीएम बैठे ने दुशंत सिंह चटाला उहदा कहिंदे ने असीं सरसे दे वारस हाँ पर सरसे दे किसानां नूं ही लुट्टण ते लगे होए ने 13 पिंड पैंदे ने मौजगढ़ हैड पैंदा उहनूं तोड़ के 50,000 किला जिहड़ा प्रभावित हो रहा मौजगढ़ इलाके का जिते हैड पैंदे आ उहनां 13 पिंडां दा ते किन्ने किसानां दीआं फसलां प्रभावित हो रहीआं उह आपदे लीची वाले बैग बाग कामयाब करन वास्ते ना स्पैशल ले जा रहे ने तो उहदे संबंध दे विच वी अज्ज असीं इत्थे बैठे आ पूरी मौजगढ़ दी उधरली इलाके डब वाली दी संगत आई हुई है। इहनां चारां मुद्दिआं नूं लै के असीं अज्ज समुची साडी भारतीय किसान यूनियन झड़ूनी भारतीय किसान एकता टीम और नाल साडी मन लो छात्र संगठन धार्मिक संगठन वो सारे अज्ज इत्थे बैठे ने असीं अज्ज 25 तरीक नूं स्टार्ट कीता धरना 10 बजे ते कल 26 नूं 5 बजे समाप्त करांगे और इस दे विच मुख मंग साडी होर है जिहड़ा खाणा पीणा साडी टीम कन्नी उह चौधरी रणजीत नूं कहा गया चाह पाणी लंगर असी साडी समुची टीम लोगों को भी सद्दा दिता पर इन्हां वास्ते खाण दा प्रबंध कीता असी भी जे किसे खाणा चाहुंदा तो फिर जे साडे नाल धरने ते बहिणा चाहुंदा तो असी उहदे उत्ते उह वेलकम आ उहदे लई ते असी खुद पानी नूं छड्ड के ना कोई असी अन्न दा मूँह दा दाणा मूँह च पावांगे ना असी कोई फ्रूट कुछ भी नहीं खावांगे कल 5 बजे तक जे इह घरों भेजणगे चौधरी रणजीत के कैबिनेट मंत्री घरों भेजूगा हाँ वो असी फिर खावांगे क्योंकि इन्हां नूं असी रोज़ काजू बदाम खवाउंदे आ तां असी अज्ज इन्हां नूं भी देखदे आ वी सानूं की खवाउंदे आ। हाँ जी मैक्स जी अज्ज भारतीय किसान एकता ने भी समर्थन दिता है इस अंदोलन के समर्थन में उतरी है लेकिन कल ही एक कल का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि अगर कोई कल नूं उक निक हुंदी है तो उस दे विच लखविंदर सिंह औलख की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस ते तुसीं की कहना चाहते हो? मेले च अमरूदा नूं कौन पुछदा पहली गल तां ते असीं कदों कहा भी तू जिम्मेदारी लै असी तो पहले भी कदे नहीं किया तू मुंडियां दे उत्ते उस टाइम देश द्रोह वर्गे मुकदमे करवाते उस तो बाद रणजीत सिंह ते गंगवा वर्गियां दे पैर फड़िया कि मुकदमे असी कैंसल करवाते उस तो बाद भी बच्चों के घरे सम्मन आ रहे हैं उन्हां दे मां बाप परेशान है मतलब माफिया मंग के आ गए उस दे बाद भी तुसी इस तरीके दीआं गल्लां इस तरीके दीआं हरकतां करदे वैसे तो इस ते आपां अलग तो वाइट करांगे ते जिन्ना कि तुसी पुछ ही लिया तो वो दसना बनदा सीगा और जिस जथेबंदी दी वो गल कर रहा है 12/87/9 वो 24/12
21 नूं एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड होया, तुसीं खुद चैक कर सकते हो, असीं थोड़ी देर में तुहानूं डॉक्यूमेंट्स भी दे देंगे। तो साड़ी जिहड़ी जथेबंदी है सितंबर 2019 तो होंद दे विच है और लड़ाई लड़ रही है। सिकंदर जी, एक मेन सवाल, किसान एक साल बरूहां ते लड़े ने, फिर जाके जित दा कोई आगाज़ होया सी, कि लगदा है कि दो दिनां दे प्रदर्शन दे नाल ए जो कानून है वह रद्द होएगा? देखो, जो तो एक साल 13 दिन उत्थे लगे तो 750 साडा बंदा इस दुनिया नूं छड्ड के बह गया, किसी का भैण का भरा गया, किसी घरवाली का घरवाल आ गया, किसी माँ का पुत गया। तो यह लड़ाई में 3 महीने हो गए शुरू हुई नूं, करी मोद भवानी जिले के बारड़ा पैंदा, उत्थे 93 किले असी छड़वा के आए हैं। पूरा हरियाणे का किसान सरदार गुरनाम सिंह झड़ूनी ने दक्षता की, सारिया खा पंचायतां सी, सारे किसान संगठन से, उत्थे 93 किले छड़ा के आए हैं। माणेसर के धरना चली 1810 किले का, तो यह आगाज़ किया, लोगों को जगा रहे हैं पिंडो दर पिंड जाके, असी यह अजे शुरुआत है। तो सरकार एड्डी ढीठ है, एड्डी छेती मनने वाली, जिन्ना चिर इन्हें सिर जुत्तियां नहीं बजदियां सी, चंगी तरह तसली नहीं कराते, यह फिर कुट भी खाते तो फिर मनते भी है। तो इस करके और सानू भी डांगा खानियां पैनियां, हजे इस साढ़े डांगा भी पैनिया, पानी का विछाड़ा भी पैनिया, परचे भी पैणगे, तो एड्डी छेती मैंने नहीं लगता मन जाएंगे। पर यह लोगों को जगाने वास्ते एक आगाज़ शुरू किया, जिहड़ा पिछले 3 महीने तो शुरू हो चुका है, झड़ूनी साहब ने किया, उस तो बाद ज्ञापन दिए गए, अज इतने धरने लाए गए। ये लोगों को मैसेज जाए, साड़ी जी धरातल की मंग है सरसे की, वह भी पहुँच सके लोगों ताई, और जी वी डाका जो हरियाणा सरकार मार रही है, आम आदमी पार्टी की रीज करती आपदे जने, पर गल कर ए मतलब ये थोड़ी, वो तो पंचायती जमीन रिक्वायर कर रहे हैं, पर शामलात दे जुलमा मुस्तरका गैर मनूसा, ये जमीन असी दर टू दर साढ़े पीढ़ी दर पीढ़ी पुरख साढ़े बजुर्ग वो बारे ने, तो अच्छ एकदम उन्हों की तर्ज से करता भी हाँ जी असं सारिया खोवे इंतकाल तोड़ के मर सकते हैं। जट आपकी जमीन पर बठते नहीं चढ़ दिता, किसी बंदे मार देंगे, एक दूजे मार भी सकते तो मार भी देंगे, तो उस करके असं जमीन कदम सरकार के भुलेखे है, तो सरकार भुलेखे कट के हटा।